हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अंडर जो राउरकेला स्टील प्लांट है उसके अंडर कुछ रिक्वायरमेंट जारी की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल। सो इसमें बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट है, लगभग 333 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, उसी के साथ सारी लिंक्स भी आपको दे दूंगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर पाओगे। प्लस आपको पीडीएफ का लिंक भी मैं लास्ट में दे दूंगा। सो चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा नोटिफिकेशन फॉर राउरकेला स्टील प्लांट जो है उड़ीसा में। इसमें जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए निकले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो है असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी का जो पोस्ट है E1 ग्रेड के लिए 8 वैकेंसी उसमें है। ST और EWS के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, बाकी अपनी कैटेगरी के साथ आप यहाँ पे अप्लाई करो। नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो आता है बॉयलर ऑपरेटर का, S3 ग्रेड, 39 वैकेंसीज। माइनिंग फोरमैन S3 के लिए यहाँ पे 24, सर्वेयर के लिए 5 वैकेंसी। माइनिंग मेट के लिए जो S1 में आता है 55, फायर ऑपरेटर ट्रेनी की जो है 25 वैकेंसी, फायरमैन कम फायर यानी कि इंजन ड्राइवर ट्रेनी के लिए यहाँ पे 36 वैकेंसी। उसी के साथ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन यानी कि HMV के लिए ट्रेनी के लिए यहाँ पे 30 वैकेंसी है। देन बाकी जो वैकेंसी वो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, उसमें जो आते हैं आपके डिसिप्लिन मैकेनिकल के लिए 15, मेटलर्जी के लिए 15, 40 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल, 5 वैकेंसी सिविल और 5 वैकेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए है। वही बाकी जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का जो फिटर में 9 वैकेंसी, मशीनिस्ट की 12 और इलेक्ट्रिशियन की 10। आगे इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सो रिजर्वेशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो आपको वही रिजर्वेशन से यहाँ पे मिलेंगे जो कैटेगरी को गवर्नमेंट नॉर्म्स या फिर गाइडलाइंस के हिसाब से रहते हैं, वही सारे आपको रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेंगे। SC ST कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आपको कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। वही OBC के लिए भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपको, या फिर AWS या फिर एक सर्विसमैन के लिए भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जरूरी रखने हैं, और PWDs के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब बात करेंगे एजुकेशन बैकग्राउंड की। सो एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट था असिस्टेंट मैनेजर E1 यानी कि सेफ्टी का ग्रेड 1 E1 का, 18 से लेके 30 ईयर्स आपका एज लिमिट यहाँ पे रहेगा। और ये जो है 30 सितंबर तक आपका कट ऑफ डेट रहेगा एज लिमिट के लिए पकड़ने का। BBTech आपका एनी ब्रांच ओके आपका यहाँ पे चलेगा। हैविंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फैक्ट्री फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स फॉर आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री इन इंजीनियरिंग, 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी। पजेसेस PG डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकोगनाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये सेकेंड आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। एंड आपको ओडाई लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। 65% अनरिजर्व OBC एंड EWS के लिए जरूरी है, 55% SC एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है नॉन एग्जीक्यूटिव जो आता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यानी कि बॉयलर ऑपरेटर। इसमें जो है 18 से लेकर 30 अगेन 3 साल का डिप्लोमा आपका चाहिए और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जरूरी है। देन माइनिंग फोरमैन का जो वैकेंसी वो भी 18 से 28 है, यहाँ पे 2 साल कम है। मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन माइनिंग वो होना जरूरी है, और 01 यानी कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। वही आपका क्राइटेरिया यहाँ पे भी क्या रहेगा, OBC EWS अनरिजर्व के लिए 50%, वो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, वही SC ST PWD या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 40%, ये बाकियों के लिए रहेगा जो जो S3 के पोस्ट है। देन सर्वेयर के लिए 18 से 28 अगेन S3, यहाँ पे भी डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वे और 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में जरूरी है, विथ आपका जो है ऑब्टेनिंग द माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। अब आता है नेक्स्ट पोस्ट, वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जिसमें बहुत से बच्चे एलिजिबल है क्योंकि 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन सिविल मेटालर्जी, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी सर्टिफिकेशन आपका नहीं चाहिए ओके इस पोस्ट के लिए। फायर ऑपरेटर का जो पोस्ट है वो S3 का अगेन, यहाँ पे 18 से 28, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम प्लस सब ऑफिसर स्कोर जो आपका नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से या नागपुर या, और आपका जो ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर से वो आपका होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि HMV का आपके पास चाहिए, नॉट LMV, याद रखना हैवी मोटर व्हीकल।
फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर S1 ग्रेड के लिए अब ये आपका होता है 18 से 28। मैट्रिकुलेशन यहाँ पे लाइसेंस आपका हेवी होना चाहिए, हेवी मोटर व्हीकल का 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपका जरूरी है। माइनिंग मेट का भी S1 का जो है यहाँ पे आपका माइनिंग जो मेन मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी DGMS अंडर MMR आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की जो पोस्ट मैंने आपको बताई थी बहुत सारी, उसी में आपका ITI होना चाहिए। फिर उसमें तीन थे, एक मशीनिस्ट था, एक फिटर था और एक इलेक्ट्रिशियन था। ITI होना चाहिए आपका, ओके, ये चीज याद रखना। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया आपका नहीं है। एंड लास्ट जो पोस्ट है वो है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 का जो आपका है HMV। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस आपका जो है प्रेफर किया जाएगा अगर होगा तो, प्लस HMV का आपके पास जो है ये लाइसेंस तो चाहिए। एज रिलैक्सेशन 5 साल SC ST, 3 साल OBC एंड PWD के लिए, 10 साल उसमें भी आपका कैटेगरी होगा तो उसके हिसाब से। E1 के लिए ग्रेड आपका बहुत अच्छा आपको पे स्केल रहेगा एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। नॉन एग्जीक्यूटिव का भी यहाँ पे दिया है, वो भी आपका बहुत अच्छा पे स्केल रहेगा। पहले मैं E1 के लिए बता दूं 14.7 लाख पर एनम, बहुत अच्छा। प्लस आपके जो एक्सक्लूडिंग जो अलाउंसेस, यानी कि बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी यहाँ पे स्केल दिया है, S3 के लिए और S1 के लिए, दोनों के लिए पे स्केल दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको जो है कैसे मिलेगा अंडर ट्रेनिंग, तो डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग में जो है वो स्टाइपेंड के हिसाब से कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगा। 16,000-18,000 आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में मिलेगा, वही बाकी जो S1 के 12-13 हजार के आसपास, प्लस 15,000 आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। सो कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द अबव पोस्ट विल बी अंडर गो द जॉब ट्रेनिंग। डेफिनेटली आपका 2 साल का ट्रेनिंग होता है एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स एज पर रिक्वायरमेंट। During training period, they will be paid consolidated pay as mentioned against each, यानी कि जब तक आपका ट्रेनिंग रहेगा। अब ऑन देयर रेगुलराइजेशन, यानी कि अगर आप रेगुलर होते हो बाद में, यानी कि आपको परमानेंट बेसिस पे आपको यहाँ पे स्केल जो मैंने आपको बताया वो मिल जाएगा, प्लस सारे अलाउंसेस। अब याद रखिए S1 का जो है यहाँ पे 8.65 लाख पर एनम आपका रहेगा, बहुत अच्छी है सैलरी है, सो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सो पोस्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो पोस्ट बताऊंगा वो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMV एंड फोरमैन कम फायर ड्राइवर जो है आपका ट्रेनिंग। उसके लिए मैं आपको बता दूं टेक्निकल नॉलेज 20 क्वेश्चंस और 80 क्वेश्चन आपको जनरल FT। वही अदर सारे जो पोस्ट है वहां पे 50 क्वेश्चन टेक्निकल, 50 क्वेश्चन FT, यानी कि दोनों सेक्शन आपको ऐसे ही रहने, बस क्वेश्चंस चेंज, थोड़ा बहुत आपका रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस दो सेगमेंट में आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द CBT विल बी आपके 2 घंटे का पूरा होगा, यानी कि 120 मिनट आपको मिलेंगे 100 के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% स्कोर आपका होगा फॉर दी अनरिजर्व EWS के लिए, वही OBC SC ST के लिए 40% आपका होगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट डेफिनेटली। The candidates who qualify in CBT for the first, जो मैंने एग्जीक्यूटिव का पोस्ट बताया, will be shortlisted for interview, यानी कि एग्जीक्यूटिव के लिए डेफिनेटली इंटरव्यू होगा और 1:3 रेशो में होगा, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा विथ आपके कैटेगरी वाइज। ओडिया का नॉलेज आपको होना चाहिए, स्पीक रीड एंड राइट, ओके, ये आपका एसेस जो है इंटरव्यू में हो जाएगा, अगर आप अप्लाई भी करोगे क्वालिफाई भी करते हो तो वो चीज होगी। एनी कैंडिडेट्स फाउंड नॉट सुटेबल, अगर आप लैंग्वेज के साथ तो आपको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा, तो CBT 80 और 20 आपको जो है ऐसा मिलेगा, यानी कि CBT 80 और 20 के रेशो के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा इंटरव्यू में। मैं बात कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव की अभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि कैंडिडेट्स क्वालिफाई फॉर द CBT फॉर द पोस्ट ऑफ जो आपको यहाँ पे बाकी पोस्ट है उनको क्या होगा। सो आपको यहाँ पे भी 1:3 रेशो से सिलेक्ट किया जाएगा। अब वो होगा, एक तो स्किल टेस्ट आपका हो सकता है, ट्रेड टेस्ट हो सकता है, उसके हिसाब से आपको वहां पे बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द फायर ऑपरेटर ट्रेनी एंड इंजन जो ड्राइवर का जो ट्रेनी का पोस्ट है उसके लिए आपके लिए PAT यानी कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, इसलिए उसमें भी 1:3 रेशो के हिसाब से आपको सारे पोस्ट के लिए 1:3 रेशो के हिसाब से किया जाएगा। अब इसमें कंपलसरी क्या है, पैट में यानी कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में कैरिंग 65 kg लोड टू द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, स्विमिंग 100 मीटर्स इन 10 मिनट्स, ड्राइविंग टेस्ट ऑफ द फायर टेंडर, यानी कि आपको स्विमिंग कंपलसरी है, ऑप्शनल भी दिए लेकिन ऑप्शनल जरूरी नहीं है। 3 मीटर्स क्लिम करना है आपको विद हेल्प ऑफ रोप, हाई जंप 135 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप 3 मीटर्स, थ्री चांसेस आपको मिलेंगे।
याद रखना, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या फिजिकल ऐप जो आपका टेस्ट होता है, वो सारे क्वालिफाइंग नेचर्स होते हैं। उसके कोई भी मार्क्स आपको पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन आप अगर उसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप पूरा आपका सिलेक्शन जो है वहां पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यानी कि पूरा आपका मार्क्स जो डिपेंड करेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे करेगा, लेकिन स्किल टेस्ट एंड बाकी सारे टेस्ट आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपका जो इतने सारे मार्क्स आप लाओगे वो कंसिडर होंगे 100%, क्योंकि उसको ही बैटेज है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे दिए, डेफिनेटली ये सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसके कोई टेस्ट नहीं होंगे, लेकिन आपका ये जो है मेजर्ड किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव के लिए हाइट 155, मेल्स के लिए 143, फीमेल्स 45 जो है मेल्स के लिए, 35 फीमेल्स के लिए आपका वेट होगा। चेस्ट का 72 एंड 75 ऑन एन एक्सपांशन आपका मेल्स के लिए होगा, 75 79 जो होगा वो फीमेल्स के लिए होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे आईज के भी दिए, वो भी आप अच्छे से देख लो। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी लगभग सेम है, चेंज बस आपका चेस्ट एक्सपांशन है 75 79, और वही फीमेल्स के लिए 70 73 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और बाकी जो है यानी कि फायर ऑपरेटर उसके लिए अलग है, 167 50 kg, 167 आपका जो है हाइट एंड 81 एंड 86 सॉरी वो आपका एक्सपांशन यहाँ पे रहेगा। टेस्ट सेंटर्स यहाँ पे सात है, राउरकेला, भुवनेश्वर, कटक, रांची, रायपुर, कलकत्ता एंड विशाखापट्टनम ये आपके रहेंगे। बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे, आपको ऑनलाइन यहाँ पे मिल जाएगा, जब भी आएगा मैं खुद बता दूंगा, प्लस SMS और ईमेल दोनों द्वारा आपको पता चल जाएगा। फीस 700 रुपये जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, फॉर जनरल 200 रुपये, SC ST PWD या फिर बाकी एक सारे मिसमैन वगैरह। वही बाकी सारे जो पोस्ट है आपको जो है पोस्ट के हिसाब से बता दूं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो है बॉयलर ऑपरेटर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, सर्वेयर और फायर ऑपरेटर, माइनिंग फोरमैन 500 रुपये फीस, 150 फॉर अदर कैटेगरीज। देन माइनिंग मेट, उसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन आते हैं या फिर फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर आते हैं 300 रुपये, और आपको जो अदर कैटेगरी सो रहेगा। चलन वगैरह सब मत भरो, डायरेक्टली ऑनलाइन आप जो है मतलब ऑनलाइन भी नेट बैंकिंग से भर सकते हो, चलन वापस भर आपको जाना पड़ेगा बैंक में, ये वो सारी चीजें। चलन खैर आपको मिलेगा, लेकिन बेटर होगा आप ऑनलाइन ही पे करो। ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं भेजना है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है, उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। पहले मैं आपको लिंक बता देता हूँ उसका, ये है लिंक। अभी तक ये लिंक जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, सो जब एक्टिवेट हो जाएगा तब वहां पे जाके डायरेक्टली आप जो है अप्लाई कर सकते हो। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या क्या चीजें भरनी है, लॉग इन, आपको न्यू यूजर पे पहले जाना है, रजिस्टर करना है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे लगेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अगर कुछ होगा कॉपीज, यस, लेटेस्ट साइज जो आपका फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर, दोनों चीजें 50 KB तक आपका फोटो, 20 KB तक आपका साइन बस, और आपको कौन से इसको अप्लाई करना है वो चीज। ओके, बहुत बाद में चेंज नहीं होगा, याद रखना, जब आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दोगे। ओके, फॉर्म मिलेगा आपको, उसका एक प्रिंट निकाल के रखो, आगे काम में आएगा। उसके बाद जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। ओके, नो TADA विल बी पेड एंड और कुछ चीजें होंगी तो मैं बता दूंगा। 6 तारीख से आपका लिंक शुरू हो जाएगा। अभी भी 5 दिन है, उस दिन वो एक्टिवेट हो जाएगा, तब से आप अप्लाई कर सकते हो। अभी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखो, और कौन से पोस्ट को आपको अप्लाई करना है वो भी रेडी रखो। अगर आपने डिस्टेंस मोड से कोई का एजुकेशन हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, ये चीज याद रखना। बाकी आपके कैटेगरीज वालों को स्पेशली बता दूं, जो भी OBC या बाकी जो SC ST होंगे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है आपका रेडी रखना। यस, CBT एंड इसके लिए आपको नहीं मिलेगा, TADA वगैरह। आउटस्टेशन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD, अगर आप स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपको तब फेयर मिलेगा, वो आपका सेकंड यानी कि स्लीपर क्लास या फिर बस फेयर भी आपको मिलेगा। सो ये था पूरा अपडेट, मेरे ख्याल से पूरी चीजें मैंने आपको बता दी जो जो इम्पोर्टेंट थी। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, दूसरा लिंक आपको दे दूंगा। ये 6 तारीख से आप फॉर्म फिलअप करना, याद रखना, अभी से मत शुरू करना कि अभी नहीं हो रहा है करके। दोनों लिंक शेयर कर दूंगा, ऐसे जॉब नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहूंगा इन डिटेल, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि गलतियां बहुत मुश्किल से सॉल्व होती है अगर वो आपका जब एक बार फॉर्म फिलअप हो जाता है तो। सो दैट्स वाई द चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे वीडियोस आपको अगर चाहिए है, इंटीमेशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट, प्लस टेलीग्राम चैनल भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके दोस्त अगर एलिजिबल होंगे तो उनके साथ भी शेयर करो। सो थैंक यू ऑल, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून एवरीवन।